चांपना, रीढ़ की हड्डी में ज्यादा चोट लगी है, इसलिए पांव में खून नहीं जा पा रहा है। अब ये सारी उम्र बैसाखियों के सहारे जिएंगे। क्या? शहजादे सलीम, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे। शाही खून है हम, इसलिए हम शाही बगीचे में अपनी शाही जान दे रहे हैं। अब हमारी कभी शादी नहीं होगी। आप जाइए, अलविदा उर्वशी जी। नहीं शहजादे सलीम, हम करेंगे आपसे शादी। अरे उर्वशी जी, आपके साथ ये कौन है? ये बच्चा हमें मंदिर के बाहर मिला, बहुत बीमार है, बोल भी नहीं सकता, पर भूखा प्यासा बाहर घूम रहा था, इसलिए हम इसे अपने साथ ही ले आए। लेकिन क्यों? क्योंकि हमसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। हमने तय कर लिया है कि हम इसे गोद लेंगे, हम इसे माँ का प्यार देंगे और इसकी देखभाल हम ही करेंगे। उर्वशी जी, शाही खून है हम, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आपको दुखी और बेसहारा लोगों से इतनी हमदर्दी है। ऐसे लोगों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा बच्चा मुन्ना, ये हमारा बच्चा है। छोड़िए, इसे कैसे छोड़ दें? माँ है इसके, हम इसे ले जाने आए। लापरवाह माँ बनना छोड़िए, ऐसे अपने बच्चे को अकेला कौन छोड़ता है? अगर उसे कुछ हो जाता तो? माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इसे ले जाते, चलो मुन्ना, चलो। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि बच्चे को उसकी माँ मिल गई। हाँ, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो उर्वशी जी से लोगों का दुख नहीं देखा जाता। लगता है कि अब हमें भी दुखी होना पड़ेगा। आ जा वासु, आ जा। अरे क्या सलीम भाई साहब, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मेरे कीमती वक्त को बर्बाद करने के लिए यहाँ क्यों लेकर आए? ताकि हम तुझे ऊपर उठा सके। चल तैयार हो जा। अरे ऐसे कैसे तैयार हो जाऊं सलीम भाई साहब? ओहो, अगर आपको मुझे जान से मारना ही था तो आप मुझे पहले बता देते, मैं तैयारी तो कर लेता। अच्छा, क्या तैयारी करता तू? देखो, सबसे पहले तो मैं नहा कर आता, क्योंकि मैं 2 दिन से नहाया नहीं हूँ। मुझे मेरे कीमती वक्त में वक्त ही नहीं मिला नहाने का। और सलीम भाई साहब, कुछ खाने की तो ले लेता। अगर स्वर्ग जाते वक्त मुझे भूख लग जाएगी तो मैं खाऊंगा क्या? इसलिए अब आप यहीं रुको, मैं तैयार होकर आता हूँ। हम तुझे अपने फौलादी कंधे पर उठाने की बात कर रहे हैं। हम तुझे अपने कंधे पर उठाएंगे और इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे, नीचे उतरेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, नीचे उतरेंगे, ताकि हमारे फौलादी पैर और भी मजबूत हो जाएं। अरे सलीम भाई साहब, अगर आपको अपने फौलादी पैर और भी मजबूत करने ना, तो आप मुझे नहीं फूफू को उठाइए। हाँ अब्बा हुजूर। ए, तू हमारे पैर मजबूत करने का तरीका बता रहा है या खुदकुशी करने का? अब्बा हुजूर, नहीं नहीं, तू ही ठीक है, आ जा आ जा। सलीम भाई साहब, आपका पूरा शरीर मजबूत हो गया। अरे
हमारा। हमें लगता है कि हमें बहुत गहरी चोट लगी है। तू जल्दी जाकर हकीम जी को मिला कर ला। अरे सलीम भाई साहब, लेकिन मैं अपने कीमती वक्त में से ये। अरे जा जा। अरे हाँ सलीम भाई साहब, जाता हूँ जाता हूँ। अरे अरे सलीम, हकीम जी आपको क्या लगता है, ठीक तो हो जाएंगे ना? जहां बना ठीक तो हो ही जानी चाहिए। हल्की सी खांसी है। खांसी ही नहीं का। हकीम जी, हम आपकी तबियत की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनकी तबियत की बात कर रहे हैं। इनका पैर कैसा है? नहीं जहां बना नहीं, शहजादे सलीम ठीक नहीं होंगे। इनका ये पैर कभी ठीक नहीं होगा। मतलब जहां पना, रीढ़ की हड्डी में ज्यादा चोट लगी है, इसलिए पाँव में खून नहीं जा पा रहा है। अब ये सारी उम्र बैसाखियों के सहारे जिएंगे। क्या? नहीं। जी ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा बाप के बुढ़ापे की लाठी होता है, हमारी लाठी टूट जाएगी तो हम कैसे चलेंगे? अरे जापना पहले ये सोचिए कि शहजादे सलीम कैसे चलेंगे। और जापना संभालिए अपने आप को, अगर आप ही मायूस हो जाएंगे तो शहजादे सलीम को सहारा कौन देगा? जापना, हमें तो लगता है बहना को मायके से तुरंत बुला लेना चाहिए। नहीं बाबू जान, अम्मी जान हमें इस हाल में देखेंगी तो वो बहुत दुखी होंगी। और आप सब तो जानते ही हैं कि जब अम्मी जान दुखी होती है तो वो किसी को सुखी नहीं रहने देती। ये तो आपने सही कहा, लेकिन सलीम आपकी देखभाल के लिए भी कोई ना कोई तो चाहिए। छोड़िए। अरे कैसे छोड़ दें, नालायक बेटा ही सही, लेकिन है तो हमारे ही बेटे ना, इनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। वही तो हम कह रहे हैं जापना, आप शहजादे सलीम की फिक्र करना छोड़िए, शहजादे सलीम का ध्यान हम रखेंगे। हाँ बहुजूर, हमें पूरा यकीन है कि अगर उर्वशी हमारा ध्यान रखेगी तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आप अम्मी जान को बुला लीजिएगा। चलिए ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, हम आपसे कल मिलेंगे। भलदेव, वो हीरानी नृत्य के आई है कि नहीं? जापना वो कब की आ चुकी हैं, इस मुद्रा में खड़ी हैं वो। तो चलिए ना, जश्न मनाने के बाद चौसर भी खेलेंगे। आई आई। अरे अब्बा जी, अरे वाह उर्वशी, आज हमारे आने से पहले ही आप तैयार हो गई। आपको कैसे पता चला कि हम आपको घुमाने ले जाने वाले? खैर पता चल ही गया है तो आइए चलते हैं घूमने। चलिए चलिए चलिए। छोड़िए छोड़िए। हम समझ गए, आपको छोड़ने के लिए पहले हमें आपको बाहों में लेना होगा। अरे छोड़िए, हमें बाहों में लेना छोड़िए और हमें बाहर ले जाने का विचार भी छोड़िए। क्यों? अरे उर्वशी, आपको घुमाने ले जाने के लिए हमने जहाँ पना से छुट्टी ली है। तो छुट्टी वापस कर दीजिए। छुट्टी है कोई संतरा नहीं जो वापस कर दे। हम आपके साथ आज बाहर नहीं जा सकते। हमने शहजादे सलीम से कहा है कि हम उन्हें घुमाने ले जाएंगे। अरे वो कमरे में बैठे बैठे बहुत ऊब जाते हैं, इसलिए हमने उनसे कहा कि हम उन्हें बाहर ले जाएंगे। तो आज हम आपके साथ बाहर नहीं जा सकते, समझिए ना। चलिए ठीक, हम समझते हैं। आज आप शहजादे सलीम को घुमाइए,
हम आपको किसी और दिन घुमा ले आएंगे, ठीक है? दीवाने खास की कार्रवाई शुरू की जाए। नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप हमें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आप यहाँ पर हमारी गद्दी पर आकर क्यों नहीं बैठ जाते? हम आपका भाला लेकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, मतलब जहाँ पर हम तो ये कह रहे थे कि वजीर आजम अभी तक दीवाने खास में आए नहीं है ना, तो कार्रवाई कैसे शुरू करेंगे? वजीर आजम क्यों नहीं आए अब तक? जापना, 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 जापना की जय हो। जापना गजब हो गया, जापना गजब हो गया। जापना, महल के मुख्य द्वार पर लोगों की भीड़ जमा है। जापना, लोग शहजादे सलीम की वजह से गुस्से में हैं। शहजादे सलीम ने गंगा नदी का रुख मोड़ने का आदेश दे दिया, इसीलिए लोग गुस्से में हैं। हटी है ना, अरे हटना। बड़े सही वक्त पर तशरीफ लाए हैं आप। शाही खून है हम, बहुत देर तक नहीं रहेंगे। किससे पूछकर आपने गंगा का रुख मोड़ने का आदेश दिया है? हमने आज तक कभी किसी से पूछकर कोई काम किया है जो अब करेंगे? हमारा मन हुआ कि हम गंगा नदी में जाकर डुबकी लगाएं। अब ऐसी हालत में हम गंगा नदी के पास तो नहीं जा सकते, इसलिए हमने गंगा नदी का रुख मोड़ने का आदेश दे दिया, ताकि वो हमारे महल के बगल से बहे और हम जब चाहें उसमें डुबकी लगा सकें। लेकिन उससे पहले तो हम आपका सर कलम कर देंगे, क्योंकि आपकी बेवकूफियां बढ़ती ही जा रही है। आप बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। अब हुजूर, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे कैसे बाप हैं आप? एक तो हमारी हालत ऐसी है, उसके ऊपर हमें प्यार देना तो दूर, आप हमें डांट रहे हैं, हम पे गुस्सा हो रहे हैं। हमें नहीं रहना इस महल में, हम जा रहे हैं। ना, 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 किसी ने रोका नहीं है आपको, आप जाइए। शेख सलीम, बैठिए, बैठ जाइए, आराम से बैठिए। जहाँ पर ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसी हालत में शहजादे सलीम से आपको प्यार से बात करना चाहिए। नहीं होगा हमसे। बेटा सलीम, आपने सिर्फ गंगा नदी का रुख मोड़ने का आदेश क्यों दिया? आपको तो यमुना नदी का रुख मोड़ने का भी आदेश देना चाहिए था। आप हमारे बेटे हैं, हमें आपका हर फैसला मंजूर है। अरे बल्कि नाज है हमें आप पर, नाज है। अब्बा हुजूर, वाह वाह अब्बा हुजूर, आज हम मान गए कि आप हमारे अब्बा हुजूर हैं। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी रगों में भी वही शाही खून दौड़ रहा है जो हमारी रगों में दौड़ रहा है। हम अभी जाकर यमुना नदी का रुख मोड़ने का आदेश देते हैं। शाह सलीम, यमुना नदी मोड़ने का आदेश ठीक होने के बाद में दीजिएगा। हाँ? वासु, शहजादे सलीम को ले जाइए। कहाँ? घुड़सवारी के लिए। अच्छा चलो। अरे क्या पैर? अरे तो क्या हुआ बीरबल जी, सलीम भाई साहब का पैर खराब है ना, लेकिन घोड़े का पैर तो बिल्कुल ठीक है। दिमाग। चलो सलीम भाई साहब। चलो चलो। अरे हटिए ना। बलदेव, जापना, गंगा नदी के रुख मोड़ने का काम रोक दीजिए। लेकिन ये बात सलीम को पता नहीं चलनी चाहिए, उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे काम चल रहा है। ये हुई ना बात जापना, हमें इसी तरह शहजादे सलीम को खुश रखना है। हम समझ सकते हैं बीरबल।
जी वाह, मजा आ गया आपका नृत्य देखकर। छोड़िए। अरे नहीं नहीं उर्वशी जी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में बहुत मजा आया है। वही तो हम कह रहे हैं कि आप मजा लेना छोड़िए, क्योंकि हम नृत्य शहजादे सलीम के लिए कर रहे थे। आपको कैसा लगा हमारा नृत्य? आपका नृत्य बहुत अच्छा था उर्वशी जी, लेकिन हम खुश नहीं है, हम बहुत दुखी है। अरे तो सलीम भाई साहब, अपना दुख आप कहीं और जाकर दिखाओ ना, तब तक मैं उर्वशी के नृत्य का मजा लेता हूँ। तू मजे ले ले वासु, अब हम अपने दुख का बोझ अकेले ही उठा लेंगे। अरे सलीम भाई साहब, आपका पैर तो पहले से ही खराब है, अगर इतना बोझ उठाओगे तो पैर के साथ साथ हाथ भी टूट जाएगा। अभी तो सिर्फ चल नहीं पाते हो, फिर तो नहाने और धोने में भी दिक्कत हो जाएगी। वासु, वासु, तू यहाँ से निकल ले, वरना हम तुझे लाल कर देंगे। मुझे पता है सलीम भाई साहब, आप मुझे भी लाल रंग लगाओगे ना? अरे नहीं, हम अपनी तलवार से तेरा सारा खून बहा देंगे, फिर पूरा ऊपर से नीचे तक लाल हो जाएगा। अरे सलीम भाई साहब, जा रहा हूँ, तलवार को रखो अंदर, जा रहा हूँ रोशी। अब आप भी जाइए उर्वशी जी, हम अपनी फूटी किस्मत और टूटी टांग को देखकर रोना चाहते हैं। नहीं नहीं शहजादे सलीम, आज अगर दुख है तो क्या हुआ, सुख भी जल्दी आ जाएगा। यही सोचकर तो ये सब कर रहे हैं। क्या मतलब, अब हमें किसी चीज में मजा नहीं आता, कोई है भी तो नहीं जिसके साथ हम अपने दिल की बात कर सके। हम है ना, हमें अपना मान लीजिए और हमसे कीजिए अपने दिल की बात। अरे हम तो कब से आपको अपना मान चुके हैं, लेकिन मजा तो तब आए जब आप भी पूरे दिल से हमें अपना माने। हम कुछ समझे नहीं। खैर छोड़िए, अब आप जाइए जाइए। शाही खून है हम, इसलिए हम शाही बगीचे में अपनी शाही जान दे रहे हैं। शहजादे सलीम, अगर आपने अपनी शाही जान दे दी तो सबको बहुत दुख होगा। अगर हमने अपनी जान नहीं दी तो हमें जिंदगी भर अपने दुख का बोझ अकेले ही उठाना पड़ेगा। अकेले? अकेले क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अब कोई भी लड़की हमें प्यार नहीं करेगी, अब हमारी कभी शादी नहीं होगी। शहजादे सलीम, हम आपका दर्द समझते हैं। दर्द तो सब समझते हैं उर्वशी जी, लेकिन दवा कोई नहीं देता, और हमारे दर्द की सिर्फ एक ही दवा है, किसी का प्यार। लेकिन हम जैसे दुखी पैरों से बेकार इंसान की परवाह ही किसे है? हमें है आपकी परवाह शहजादे सलीम, हमें है। परवाह से क्या होता है उर्वशी जी, परवाह से जिंदगी नहीं कटती, जिंदगी काटने के लिए किसी का प्यार चाहिए। अब आप जाइए यहाँ से। लेकिन शहजादे सर, आप जाइए, अलविदा उर्वशी जी। नहीं शहजादे सलीम, हम आपको प्यार देंगे। और शादी कौन करेगा? शादी हम करेंगे आपसे शादी। सच? हाँ हाँ, लेकिन वो बस 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 उर्वशी जी, आप सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए, बस आपसे एक विनती है, आप किसी को ये मत कहिएगा कि हम खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे थे, वरना ये बात जानकर सब लोग हम पे हंसेंगे। नहीं नहीं शहजादे सलीम, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, कुछ नहीं कहेंगे। शुक्रिया। हमने शहजादे सलीम से शादी के लिए तो हाँ कर दी है, लेकिन अब बीरबल का क्या होगा, हम कैसे समझाएंगे उन्हें? बीरबल, आपकी सलाह हमें बहुत अच्छी लगी। हम सलीम को इतना प्यार देंगे कि अपने पैर खराब होने का गम वो भूल जाएंगे।
जापना, देखिए आप, एक पिता का प्यार बेटे की जिंदगी में खुशियां और जोश भर देगा। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि सलीम की खुशी हमें बहुत महंगी पड़ने वाली है। लेकिन फिर भी हम प्यार देंगे, ढेर सारा प्यार देंगे, क्योंकि ये पैर खराब होने का गम हम समझ सकते हैं। बचपन में एक बार हमारे अब्बा हुजूर हमसे बहुत गुस्सा हुए थे। उन्होंने हमारे पैरों पे इतना मारा कि हमारे दोनों पैर सूज गए थे। एक हफ्ते तक हाथों पे चल रहे थे हम। आप हाथों पे चल रहे थे? आपने हाथों सुना? हाथों नहीं कहा हमने, हाथी पे चल रहे थे हम। हम हाथी पे बैठते थे, हाथी चलता था। आप हाथी पे बैठते थे और हाथी चलता था? नहीं, हाथी हम पे बैठता था और हम चलते थे। अच्छा। अरे अच्छा क्या, हाथी हाथी कितना बड़ा होता है और हम कितने छोटे हैं। आप छोटे? हाँ, हाथी। अरे मजाक कर रहे हैं हम जापना। इसी तरह आप सलीम को प्यार देते रहिए, उसकी जिंदगी में जोश भर जाएगा। आइए। सही कह रहे हैं आप, ये आइए सलीम। अब उर्वशी को हमारी होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा ये नाटक काम कर ही गया। शाही खून है हम। अब उर्वशी बनेगी हमारी दुल्हन और हम बनेंगे उर्वशी के दूल्हे। Thank you.